परिषदेच्या माध्यमातल्या आम्ही सगळ्या गोयच्या जे कोण भक्तगण असा जांचेकडे असे तरेचे मंदिरांची जी किती बांधणी असा किंवा पोर्तुगीज कालांची मंदिरा उद्ध्वस्त झाली त्यांचे संदर्भात जर किती तुमच्याकडे कागदपत्र असतात दस्तावेज असा किती माहिती असा जाल्यार सगळी एकत्रित संकलन करण्याचा प्रयत्न हंगासर चालला. गोमंतक मंदिर महासंघाकडे तुम्ही संपर्क करचो आणि या माध्यमातल्यान आज आमकां जे संपूर्ण भारतभरात जे मंदिरांचे पुनरुत्थानाचे कार्य पुनर्बांधणीचे कार्य चालला आणि ज्ञानव्यापी मंदिराच्या माध्यमातल्यान ही भगवान शिवशंकरान साक्षी आमकां दिल्ली असा की ही शक्ती प्रकट झाली असा आणि अधिवक्ता श्री विष्णू शंकर जयनजी आणि अधिवक्ता मदन मोहन यादवजी हंगासर असा असे अनेक अधिवक्ता सगळे टीम वकिलांची आज राष्ट्रीय स्तराचे मदत करपाक फुडी सरसावले असा. तर गोयच्या जनतेन ह्या सगळ्या गोष्टीची दखल घेऊन ह्या कार्यान सहकार्य करचे एक पुढाकार घेवचो आणि जे किती दस्तावेज असतले तुमच्याकडे जी किती माहिती असतली अनेक लोकांना खबर असतली हिस्टॉरिकल फॅक्ट असतात मायथॉलॉजिकल असतात कोणीतरी जाणट्या नेणट्यान सांगलेले सुद्धा असतले प्रत्येक गोष्ट या लढाई खातीर महत्वाची असा. छोटेसे कागदपत्र असले फोटो असले झाले सुद्धा आमकां महत्वाचे असा असे कितेही तुमच्याकडे असले अवश्य त्या व्यतिरिक्त ज्यांका कोणाक या संदर्भात आर्कायज आर्कोलॉजीन किंवा आरटीआय घालपाची तयारी असा अशा लोकांक सुद्धा आम्ही आव्हान करता की तुम्ही सगळ्यांनी पुढाकार घेऊन पुढे येऊचे आणि गोमंतक मंदिर महासंघातर्फे हांव जे सहकार्य आमकां दिवपाक पुढे सरल्यात हंगासर उपस्थित अधिवक्ता असतात त्यांचे आभार व्यक्त करता. देव बरें करू. आपको नमस्ते. सभी पत्रकार बंधुओं नमस्कार. अभी जो बात आपके सामने यहाँ पे पत्रकार परिषद के माध्यम से रखी गई इससे एक बात साबित हो रही कि पूरे भारत में जो मंदिर पुनरुत्थान का कार्य शुरू हुआ है और इसके माध्यम से पूरे भारत में जो मंदिर उसका अभ्यास शुरू हुआ है वैसे ही गोवा में भी ये कार्य पहले से शुरू था. इस कार्य को हमें और ज़्यादा सहकार्य मिला है. लीगल टीम है जैसे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी है अधिवक्ता अभी मदन मोहन यादव जी है और बाकी सब टीम है उनका सपोर्ट जो गोवा की टीम है और गोमंतक मंदिर महासंघ और जो बाकी सब मंदिर है और सभी हिंदुत्ववादी संगठन है यहाँ सुभाष वेलुंकर सर जी है ऐसे सभी जो कार्य कर रहे हैं उसे अभी गति मिलेगी ये इस माध्यम से हम बताना चाहते हैं. और ये कार्य के लिए आज जो हड़कंप मचाया जा रहा है गोवा में भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप चर्च के बारे में स्टडी कर रहे हैं मंदिर का पुनरुत्थान करने के बारे में चर्च बोल रहे हैं तो हम ये बताने चाहते हैं कि हमारे जो आदर्श है छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे उनका ही एक उदाहरण हमारे लिए है गोवा में. और हमारे गोवा के सीएम है उन्होंने सिर्फ बोला नहीं है तो उन्होंने 20 करोड़ की राशि भी इसके लिए आरक्षित करके बजट में रखी है कि जो कार्य करने के लिए आप शुरू करेंगे तो उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल सकता है मंदिरों के रक्षण संवर्धन के लिए. और ऐसे मंदिर जो पुर्तगीज कालीन जब एक अत्याचार हुए थे धर्मांतरण हुए थे उस काल में जो उद्ध्वस्त की गई है. हम इस माध्यम से पत्रकार परिषद के माध्यम से गोमंतक मंदिर महासंघ गोवा के सभी लोगों को आह्वान करते हैं कि आपके पास भी ऐसे बहुत सारे दस्तावेज रहेंगे जो कुछ जानकारी रहेगी इस सभी कार्य से जुड़ी हुई मंदिरों से जुड़ी हुई उद्ध्वस्त हुए हुए मंदिरों से जुड़ी हुई वो सभी आप हमारे पास लेके आइए क्योंकि हमें सभी एकत्रित संगठित कार्य करना है और आप सबका सहकार्य हमें इस जो पवित्र कार्य है मंदिर संवर्धन का इसमें आप सबका सहकार्य हमें चाहिए. या पत्रकार परिषदेच्या माध्यम